ये कहानी है न्यू जर्सी की गर्मियों की, जहां इंसानों के साथ साथ क्रैब्स भी तैयार हैं गर्मियां एंजॉय करने के लिए। पर इतना लैंड क्रैब्स मौज मस्ती की तैयारियां करते, सी क्रैब्स वहां आ जाते हैं छुट्टियां मनाने। तो जो लैंड क्रैब्स थे वो सी क्रैब्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पूरा का पूरा किनारा तो ये सी क्रैब्स ले लेते हैं। इन लैंड क्रैब्स में एक क्रैब था आर्मिन, पर आर्मिन को तो सबकी तरह मौज मस्ती करना ही नहीं पसंद। वो बस अपने शेल में रहना चाहता है अपने कीड़े दोस्त एनेमनी के साथ। एनेमनी आर्मिन को कहता है कि यार, सब बाहर एंजॉय कर रहे हैं, तुम यहाँ अंदर रहकर क्या कर रहे हो। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि आर्मिन के बाकी क्रैब दोस्त बाहर उसे लेने आ गए। वो भी आर्मिन को यही बात कहते हैं कि चल भाई बाहर चल, थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। पर वो जैसे ही बाहर को गए, पूरा किनारा तो भर रखा है सी क्रैब्स ने। आर्मिन और उसके दोस्त भी सी क्रैब्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तभी आर्मिन के एक दोस्त को सी क्रैब से लड़ते लड़ते मिला एक नया शेल। वो उसे देता है अपने दोस्त बॉबी को। क्रैब्स की दुनिया में जब कोई भी क्रैब शेल बदलता है तो वो सभी एक लाइन में खड़ जाते हैं एक दूसरे का शेल लेने के लिए। पर ये चीज आर्मिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो अपना शेल किसी से भी बदलना नहीं चाहता। दरअसल आर्मिन का ये शेल उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी थी। आर्मिन का दोस्त फिर भी उसे कहता है कि यार, कब तक इस शेल को पकड़कर बैठा रहेगा, अपने शेल से बाहर निकल और कुछ कर, किसी लड़की से बात कर, क्या पता तुझे भी किसी से प्यार हो जाए। इसी के साथ साथ किनारे पर आ रही थी दो बहनें, ये दोनों हैं रमोना और शैली। दरअसल शैली बहरी थी तो रमोना हमेशा उसका ख्याल रखती। उनकी मोम उन्हें यहाँ के रिजॉर्ट ले गई, जहाँ काम करता है आर्मिन। रमोना की मोम यहाँ अपने दोस्त के साथ बैठी थी, जहाँ उसकी दोस्त ने उसे मिलाया अपने बेटे मेको से। वो कहती है कि शायद मेको और रमोना एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, पर रमोना तो लगी हुई थी अपनी ही मौज मस्तियों में। आर्मिन का इसी पल में रमोना पर दिल आ जाता है। उसने रमोना से बात करने की कोशिश तो की, पर मेको बीच में आ गया। वो रमोना को क्लब के लिए इनवाइट करता है, पर रमोना की मोम नहीं चाहती कि रमोना इतनी देर के लिए धरती पर जाए। वो साफ साफ उसे मना कर देती है कि तुम कहीं नहीं जा रही। ऊपर आर्मिन भी अकेला ही था। वो दोनों ही अपने अपने दुख में गाना गाने लगते हैं। बहुत सोचने के बाद रमोना ने फैसला किया कि नहीं, वो तो ऊपर जाकर ही रहेगी। उसकी बहन और वो ऊपर गए तो यहीं आर्मिन जब सोने लगा, बॉबी और उसके बाकी दोस्त उसे उठाने आ गए। वो कहते हैं कि भाई तू तो चल रहा है। दरअसल ये क्लब आर्मिन के अंकल ब्रूनो का था, तो उसके दोस्तों को आर्मिन के बहाने ही क्लब में एंट्री मिलती थी। अंदर सब तो मजे करने लग गए, पर आर्मिन को अंदर जबरदस्ती खींचकर उसका कीड़ा एनेमनी लेकर जाता है। यहाँ आर्मिन की फिर से मुलाकात हुई रमोना से। वो लोग थोड़ी बहुत बात इतना करते मेको फिर से बीच में आ गया। वो आर्मिन को धक्का मार देता है, जो देख लिया आर्मिन के दोस्त बॉबी ने। उन दोनों ग्रुप्स के बीच बहस हो जाती है और बहस बदल जाती है लड़ाई में। ब्रूनो सबको क्लब से बाहर निकाल देता है। इस चीज से आर्मिन गुस्सा हो गया कि बॉबी, तुम लोग हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम लोग बस मेरा इस्तेमाल करते हो क्लब में एंट्री लेने के लिए, बाकी तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए। आर्मिन गुस्सा हो वहाँ से चला जाता है, पर अकेले उसे पकड़ लिया मेको ने। मेको ने कहा कि अब तू क्या करेगा बच्चे। मेको आर्मिन को उसके शेल से निकाल देता है। वो उसके शेल से खेलने लगे। ये सब होते हुए वहाँ रमोना देख लेती है। रमोना ने बीच में आ मेको को रोका, पर आर्मिन का शेल जा गिरता है समुद्र में। वो समुद्र की लहरों में बह गया, और इसी के साथ साथ समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर किनारे से टकराने वाली थी। सब लोग लहर से बचकर भागने लगे, पर आर्मिन इसी लहर में कहीं बह गया। ये लहर इतनी बड़ी थी कि इसने एक बार के लिए पूरे किनारे को अपने अंदर डुबा लिया। सुबह हुई, पूरा किनारा तहस नहस हो चुका है। सब ने अपने माता पिता बच्चों को ढूंढना शुरू किया। यहाँ सब तो थे, पर आर्मिन का कोई अता पता नहीं। आर्मिन कहीं दूर किनारे पर है। वो अपने शेल को ढूंढने लगा, पर तभी एक क्रैब वहाँ से गुजरता है। एक आदमी उसके पीछे लगा हुआ था। उसकी नजर आर्मिन पर भी पड़ गई। उसने आर्मिन को उठा लिया। आर्मिन अब एक पिंजरे में कैद है अपने जैसे पता नहीं कितने क्रैब्स के साथ।
यहाँ उसकी मुलाकात दो ऐसे क्रैब से हुई जो उसे जानते थे। दरअसल वो आर्मिन के अंकल ब्रूनो को जानते थे। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि हम देखते हैं कि ये आदमी उनको एक मेले में बेचने के लिए लाया है। सभी क्रैब्स में अफरा तफरी मच गई और इसी बीच में आर्मिन की नजर पड़ी रमोना पर। रमोना भी पानी की लहर में बह गई थी और वो आदमी उसे भी पकड़ लाया था। रमोना डरी हुई है, वो कभी भी इतनी देर के लिए समुद्र के बाहर नहीं रही थी और अगर उसे जल्दी से पानी ना मिला तो उसका शरीर सूख जाएगा, वो मर भी सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूनो आर्मिन की तलाश में लग गया। रमोना की माँ और बहन भी उसकी पूछताछ करने यहाँ आए हुए हैं। दोनों सी क्रैब्स और लैंड क्रैब्स साथ में उन दोनों को ढूंढने के लिए तैयार थे, पर तभी मेको ने सबको भड़का दिया कि रात को रमोना मेरे ही साथ थी, पर जब मैं उसके लिए पानी लेने गया आर्मिन और उसके दोस्त रमोना के पीछे लग गए। मेको ने उसे बचाने की कोशिश तो की पर पानी की लहर में रमोना बह जाती है। ये सब सुन आर्मिन के दोस्त गुस्सा हो जाते हैं कि ये मेको तो कुछ भी बोली जा रहा है, पर इन बातों से सी क्रैब्स और लैंड क्रैब्स में दुश्मनी हो गई। इधर पिंजरे में रमोना बाहर निकलने का प्लान बनाने लगी। उसे एक औरत दिखाई देती है, उसने उस औरत को इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। अब उस औरत को रमोना देने के लिए जैसे ही पिंजरे वाला व्यक्ति पिंजरा खोलता है, रमोना ने कहा कि यही एक मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। सभी क्रैब्स उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। पूरे बीच पर अब क्रैब्स ही क्रैब्स थे। उस व्यक्ति ने सबको पकड़ने की कोशिश तो की पर वो किसी न किसी तरह दूर भाग जाते हैं। यहाँ रमोना को पानी से ज्यादा कुछ पसंद नहीं और आर्मिन को पानी से ज्यादा किसी चीज से नफरत नहीं। रमोना कहती है कि ये पहली बार है जब मैं अपनी मॉम से इतनी दूर हूँ और वो इस बात से खुश है क्योंकि अब वो जो चाहे वो कर सकती थी। पर आर्मिन का कहना था कि हमें घर चलना चाहिए। अब उनका घर किधर है ये देखने के लिए वो एक रोलर कोस्टर पर चढ़ जाते हैं। पहले तो रोलर कोस्टर आराम से चल रहा था तो उन्हें कुछ पता नहीं लगा, पर जब वो तेज चला रमोना ने तो फुल मजे किए, पर बेचारे आर्मिन की सारी हवा निकल गई, उसे तो उल्टियां लग गई थी। रोलर कोस्टर के बाद रमोना कहती है कि हम ये सब कर रहे हैं, जितनी भी चीजें इस मेले में हैं हम वो सब करेंगे। उन दोनों ने मेले में बहुत मजे किए और धीरे धीरे आर्मिन का डर भी खत्म हो जाता है। पर ये सब कर रमोना के शरीर में पानी की कमी होने लगी। उनके सामने पानी तो था पर वो एकदम से बंद हो गया। आर्मिन ने बहुत कोशिश की पर वो एक बूंद भी इकट्ठी नहीं कर पाता। इधर हम देखते हैं कि आर्मिन के दोस्त उसकी तलाश कर रहे हैं, तो मेको और बाकी सी क्रैब्स पार्टी। आर्मिन के दोस्त ये सब देखकर बहुत गुस्सा थे कि वो इतना सब करके आराम से कैसे बैठा है। उनको पीछे छोड़ वो भी अकेला ही आर्मिन की तलाश में आगे निकल गया। यहाँ उसे मिलती है रमोना की बहन शैली जो रमोना को ढूंढ रही थी। शैली पहले तो बॉबी को देख डर गई, पर बॉबी के समझाने पर कि मेको ने सब झूठ बोला है, वो दोनों साथ में ही रमोना और आर्मिन को ढूंढने लगे। इधर आर्मिन और रमोना भी एक दूसरे से बात करते करते आगे बढ़ रहे हैं। आर्मिन रमोना को अपने बचपन की एक बात बताता है कि जब वो छोटा था उसने एक तूफान में अपने माँ बाप को खो दिया और तभी से वो पानी से इतना डरता है और कभी भी अपने शेल को छोड़ कहीं जा नहीं पाया। रमोना ने ये सब सुन आर्मिन को कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम सबसे अलग हो और ये एक अच्छी चीज है। पर इधर बॉबी और शैली के बीच शैली की मोम आ गई, वो शैली को बॉबी से दूर करती है। तो इधर आर्मिन के बाकी दोस्तों ने सी क्रैब्स की पार्टी खराब कर दी, सभी वहां से भागे। जिन्हें देख बॉबी बार की तरफ भागा, वो देखता है कि उसके दोस्तों को मेको पीट रहा था। बॉबी ने उनकी लड़ाई शांत करने की कोशिश की पर ऐसा करते हुए उसने मेको का क्लोथ तोड़ डाला। मेको जाते जाते उनकी तरफ आर्मिन का पुराना शेल फेंकता है जिसमें अनेमनी था। वो बहुत ही घबराया हुआ है, सबको लगा कि आर्मिन मर चुका है। तो इधर आर्मिन और रमोना एक साथ आ गए। वो दोनों जैसे ही करीब आने लगे पहले मिले लैंड क्रैब्स उन्हें देख लेते हैं। आर्मिन उनको देखते ही रमोना का हाथ छोड़ दिया। रमोना इस चीज से गुस्सा हो जाती है, वो अकेले ही आगे निकल गई। आर्मिन उसके पीछे जाता है पर पानी की कमी की वजह से वो बेहोश होने लगी थी। आर्मिन उसको पकड़ समुद्र की तरफ बढ़ा, समुद्र अभी बहुत दूर था। रमोना पूरी तरह बेहोश हो जाती है, पर इधर बॉबी और बाकी लैंड क्रैब्स
आर्मिन की मौत का बदला लेने चले थे। सी क्रैब्स भी तैयार हैं उनसे लड़ने के लिए, रमोना के लिए। वो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के सामने आ गए। एक तरफ थी लैंड क्रैब्स की विशालकाय सेना तो दूसरी तरफ थी सी क्रैब्स की सेना। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। सब एक दूसरे को मार रहे हैं तो एक तरफ आर्मिन रमोना को ले आगे बढ़ रहा है। इसी लड़ाई में एक बार रमोना की माँ और बहन को लगने ही लगता है कि उनको बचाने वो भी आ गया। उसी वक्त में सबके बीच में से निकल रहा होता है आर्मिन रमोना को अपनी बाहों में लपेटकर। सब लोग उसे देख रुक गए। आर्मिन रमोना को ले पानी के अंदर घुस जाता है। यहाँ पानी में रमोना की आंख खुली और होश आते ही उसने आर्मिन को किस कर लिया। रमोना और आर्मिन दोनों अपने परिवार से मिलते हैं। आर्मिन ने रमोना को सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस किया। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं कि हम ऐसे क्यों लड़ रहे हैं। ये सब कुछ हुआ था मेको के झूठ की वजह से। मेको भी मान लेता है कि उसने झूठ बोला। दोनों लैंड और सी क्रैब्स एक हो गए और कुछ दिनों बाद मेको बॉबी के पास आ उसे एक शेल गिफ्ट करता है जिससे उन दोनों ग्रुप्स की एक नई शुरुआत हो सके। लैंड क्रैब्स और सी क्रैब्स एक दूसरे से अपने शेल्स बदल लेते हैं। बॉबी ने भी आर्मिन को आर्मिन का पुराना शेल दिया पर यहाँ एक क्रैब बिना शेल के था तो आर्मिन अपने कीड़े दोस्त अनेमनी से पूछ वो शेल उस व्यक्ति को दे देता है। आर्मिन अब अपने इस नए शेल के साथ ही रहेगा। दोस्तों इसी के साथ साथ लैंड और सी क्रैब्स की ये सदियों से चलती आ रही दुश्मनी खत्म होती है आर्मिन और मोना की लव स्टोरी के साथ। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।